शुक्र है अब्बा जी, आप घर आ गए। आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। बैठो बेटा। पता नहीं कौन सी मसरूफियत निकाले बैठे, टाइम ही नहीं देते। मैंने आपको बताना था कि मैं एक दो रोज में पिंडी जा रही हूँ। अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन तो रुको। कैसे रुकूं अबा, मेरा जो बेटा है ना रोज फोन करता है और पूछता है मैं कब जा रही हूँ पिंडी। दरअसल अबा मैं पाकिस्तान उसी की वजह से आई हूँ। वो तुफैल मामू की बेटी लैला है ना, उसे मेरे बेटे की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों हर रोज घंटों स्काइप पे बात करते हैं। मैं बाकायदा रस्म करूंगी, आप सबको आना होगा और प्लीज अदन को भी जरूर लाइएगा। अब प्लीज अदन को बाहर की दुनिया देख लेने दें, आजादी का सांस लेने दें। मुझे तो वो गुजरे हुई सदी की कोई रूह लगती है, तरस आता है उस पर। अब्बा उसे इस सदी में जी लेने दें, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करें। घुटे हुए माहौल की एक अनएजुकेटेड लड़की कौन आएगा उससे शादी करने। प्लीज उस पर रहम करें। तो आप पिंडी इसलिए जा रही हैं कि आपको अपने बेटे का रिश्ता तय करना है? हाँ, एंगेजमेंट की रस्म धूमधाम से करूंगी, आप लोगों को आना होगा। हम क्या करेंगे आकर? क्या मतलब, तुम मेरे बेटे की खाला हो, अब्बा उसके नाना है, आना तो बनता है। हाँ अब्बा, लेकिन हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या क्या सोच रहे थे? अब्बा हमारी अदन में क्या बुराई है? तुमने मेरे बेटे को अभी तक देखा नहीं है, वरना ऐसा मत सोचती। अदन जैसी बच्ची चराग लेकर भी ढूंढोगी तो तुमको नहीं मिलेगी। कम ऑन अब्बा, चादर में लिपटी सहमी हुई कॉन्फिडेंटली चार अल्फाज नहीं उससे बोले जाते। ना उसकी कोई एजुकेशन है, ना वो जमाने के साथ चलती है, क्या खूबी है उसमें? आपने तो इन दोनों लड़कियों की जिंदगी तबाह करके रख दी है। ये आज के दौर की कहां है, पता नहीं किस जमाने की पैदावार है। इनके ऊपर सिर्फ तरस ही खाया जा सकता है, बस दैट्स अबाउट इट, और आगे कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। नाहिंजार अपनी रवायात भी भूल चुकी है। नहीं अब्बा मियां, शायद हम लोग अपनी औकात ही भूल गए हैं। ऊंचे ख्वाब देख रहे थे।